अस्सलाम वालेकुम, आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ में, मोहम्मद मालिक। अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो है मईशत। कोई सियासतदान जाने वालों पे इल्ज़ाम देते हैं, इलेक्शनों की बात हो तो वो आने वाली उम्मीदें दिलाते हैं, लेकिन सारा मलबा आता है मईशत के ऊपर। इसी का हर कोई, इसी के गिर्द हमारी तमाम मुसीबतें जो हैं उसके गिर्द फिर रही हैं। लेकिन हमने कहा आज इसी पर ज़रा बात करें खुल के कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, हमारी पोजिशन क्या है। उस पर उससे पहले मैं आपसे दो चार चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। रादर अभी एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एक प्रेस टॉक हुई कि वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट फॉर साउथ एशिया हैं मार्टिन राइजर, उन्होंने बड़ी खुल के बातें की और अपनी स्पीच से पहले व्यूज से पहले जो जर्नलिस्ट मौजूद थे उनसे उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरी स्पीच एक अनडिप्लोमेटिक स्पीच लगे, लेकिन कुछ बातें उन्होंने पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो सियासी मसलहत पसंदी है और जो यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो रिफॉर्म्स नहीं होने देते। उनका एक क्या किस किस्म का निज़ाम है जब 40% की जो आबादी है सतह गुरबत से नीचे है और जो एलीट है जो अशराफिया है वो अमीर से अमीर तक पावरफुल से पावरफुल हो रही है। और उन्होंने कहा कि अगर रिफॉर्म्स आप अब ना लाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जल्दी ना लाए, तो फिर बहुत सीरियस इश्यूज बन जाएंगे पाकिस्तान की मईशत और वर्ल्ड बैंक के लिए भी इसके असरात हो सकते हैं। नाज़रीन ये आपके लिए बताना ज़रूरी है कि वर्ल्ड बैंक से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $2 बिलियन से वर्ल्ड बैंक से और वो हमारे लिए क्रिटिकल हैं टू स्टे फ्लोट। फिर उन्होंने कहा, बार बार मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं पॉपुलेशन पे और इससे रिलेटेड इशूज़ पे, उन्होंने कहा ये जो आपका ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस है ये एक साइलेंट क्राइसिस है, ये हेडलाइंस नहीं बनाता लेकिन ये हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ से दे सकता हूँ कि हमारी इस वक्त 2.6 है पॉपुलेशन की ग्रोथ, लेकिन हमारी इकॉनमी के जो भी फिगर्स आए हैं वो -0.17 की आप इकोनॉमिक ग्रोथ थी, यानी कि गुर्बत भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मैल न्यूट्रिशन बढ़ रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सब कुछ जहालत बढ़ रही है, यहाँ पर हम खड़े हुए। फिर उन्होंने कहा कि आप जब तक पब्लिक नेक्स्ट फिस्कल ईयर का उनके मुताबिक जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 70% जो हमारी टोटल रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का वो सिर्फ डेट सर्विसिंग में जाएगा। IMF इस फिगर को तकरीबन 92% कह रहा है, उनकी प्रोजेक्शन में 92% है, यानी कि जो आया सारा डेट सर्विसिंग में चला गया, उसके बाद पैसा कौन सा बचेगा, कोई पैसा नहीं बचता। इसी तरह उन्होंने बात की कि जी आपको जो आपकी टैक्स रिजीम है, जो आपका टैक्स का निज़ाम है, टोटल इसको आपको करना पड़ेगा ओवरऑल, और टोटल चाहिएगा जो आपका ये टैक्स एग्जेम्पशन हम देते हैं, जो जगह जगह रिलीफ टैक्स ही सर्टन इंडस्ट्रीज को वेस्टर्न इंडस्ट्रीज को देते हैं, उनका 1/3 तो आपका टैक्स रेवेन्यू इसी में ज़ाया हो रहा है। फिर उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की भी बात की, उनका बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर बड़ा ये काम भी कर सकती है, कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन ये इलाज नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके ऊपर जानी पड़ेंगी। और इस तरह उन्होंने बात की कि ये लिंकेजेस उन्होंने कर दी। अब डॉक्टर हफीज पाशा ने जो फॉर्म फेडरल मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, उन्होंने एक बड़ा ही मैं तो कहूँगा अलार्मिंग पिक्चर है लेकिन रियलिटी की पिक्चर है, एक उन्होंने कॉलम लिखा 21 नवंबर 2023 को, ये बिजनेस रिकॉर्डर में छपा, लो फ्लोज ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। और मेरी तो आपसे नाज़रीन से भी ये दरख्वास्त है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं फाइनेंस में वो काइंडली ज़रूर पढ़िए, बिजनेस रिकॉर्डर में 21 नवंबर को छपा था, लो इनफ्लोज ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। उन्होंने बहुत डिटेल में ब्रेकअप दिया है, बहुत ब्रेकअप दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स का, इनफ्लोज का, आउटफ्लोज का। और जो सबसे खूबसूरत पिक्चर भी निकलती है, अगर सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो तो कब भी हमें कम अज कम $16 बिलियन चाहिए मिनिमम, जो अभी हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। यार ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इट्स अ लॉन्ग आर्टिकल, लेकिन अगर एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस वरना ये आराम से $19 से $21 बिलियन पे ये चली जाती है, ये कहाँ से आएंगे, इस पे क्या बात होगी। साथ ही 2-3 सेमिनार्स हुए पिछले दिनों, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आईं। FBR का हाल ये है, और ये फवाद हसन फवाद जो प्राइवेटाइजेशन के वजीर भी हैं, उन्होंने भी 3-4 चीज़ें पॉइंट आउट करवाई की उन्होंने। रादर उन्होंने कहा कि जी जो टैक्स रेवन्यू कलेक्ट हो रहा है उसमें से 93% टैक्स वो है जो ये विदहोल्डिंग टैक्स में इकट्ठा होता है या आप और मैं खुद वॉलेंटरली दे रहे हैं, सिर्फ 7% है जो FBR कलेक्ट करता है, सिर्फ 7%। और 3 सालों में FBR ने 600 अरब के नोटिस दिए टैक्स नादहिंदगान को, कितने 600 अरब के, और 2013 से 2016 में रिकवरी कितने की 4 अरब, 600 अरब के नोटिस
4 अरब, ये है इसकी माशाल्लाह एफिशिएंसी, जबकि बिजनेसेस वगैरह पे जो कॉर्पोरेट्स वगैरह पे हैं उन पे एवरेज 40% टैक्स का बोझ और बढ़ गया, और इसकी वजह से लोग बजाय इसके कि कॉर्पोरेशंस बड़ी बने, लोग डी कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं, यानी कि इंसेंटिव आप ये दे रहे हैं भैया टैक्स से बचना है तो ये बड़े इदारे ना बने, और पूरे बड़े इदारे ही जब बनते हैं तो मईशत आगे चलती है। और इन 3 सालों में 2018 से 2021 तक 250 अरब 2.54 खरब ट्रिलियन सिर्फ सब्सिडीज, ग्रांट्स और लोन्स दिए हैं जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इनको कमर्शियल एंटरप्राइजेज इनको चलाने में, और वैसे कहते हैं कौमी इदारे हैं जी इनको ये करें वो करें, 250 खरब रुपया ये हम दे चुके हैं। गवर्नमेंट का जो साइज है पिछले 20 साल में 3 गुना बढ़ गया हुआ है, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट नीचे आए हम वी हैव थ्राइस्ट ग्रोन थ्राइस इन साइज इन जस्ट 20 ईयर्स। अब तो हाल ये है कि ये फिर ये भी कर, और बैंक्स का हाल ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि आप जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं डिपॉजिट और जिस पे देते हैं उसमें इतना फ़र्क क्यों है। उन्होंने तो खैर ये कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों नहीं पूछता, और उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि जो 6 बिलियन रुपये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के नेशनल बैंक में पड़े हुए हैं उस पर सिर्फ 4% मुनाफा मिलता है, वैसे 22% है, 4% मुनाफा मिलता है, ये डिस्पैरिटीज क्या है। बाकी हाल आपके ये है कि अगर मैं डेटा 2 मिनट और लेंगे, हमें मैं आपके मेहमान को इंट्रोड्यूस कर दूँ, हमारे साथ डॉक्टर फीस पाशा साहब भी हैं, फॉर्मर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिस्ट, एंड आई एम श्योर कि वो थोड़ा सा पेशेंस ले लेंगे ताकि मैं आपके लिए एक दो डेटा और चेंज कर दूँ ताकि ओवरऑल ग्रोथ हो, और फिर हम डॉक्टर साहब से समझेंगे। एक सेमिनार में शायद हफीज कारदा साहब जो फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक थे, उन्होंने एक फिगर दिया कि जो पाकिस्तान का ग्रोस पब्लिक डेट है ये 667% ऑफ रेवन्यूज है, कि जो हमारी कमाई है इनकम है उससे 667% टाइम ज़्यादा है, और जो एक्सटर्नल डेट है डॉलर्स में और बाहर चाहे में उस वो हमारी एक्सपोर्ट से 232% ज़्यादा है, यानी कि हमें 232% हम और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करें तो हम सिर्फ अपनी डेट पेमेंट्स डेट रिटायर कर सकते हैं, बाकी भी पैसे की हम बात नहीं कर रहे कि जो हमने कमाई से मुल्क के अंदर चीज़ें करनी है सब कुछ करना है ये सारा कुछ करना है। और एक छोटी सी एग्जांपल इन द मीन टाइम मैं आपको और दे दूं, एंड डॉक्टर साहब काइंडली बे विद मी, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का हाल ये है कि इन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ, मैं आपको एक तमाशा बनाता हूँ PDM गवर्नमेंट जो करके गई है। एक होता है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट प्रोग्राम, इसको SAP भी वैसे बोलते हैं, ये पिछली गवर्नमेंट जाने से पहले तकरीबन 59% टू बी प्रिसाइज इन्होंने इंक्रीज कर दिया इसका 110 बिलियन। अच्छा नाज़रीन ये वो पैसे हैं जो पार्लियामेंटेरियंस को दे दिए गए हैं स्कीम्स को जिनको वो देख रहे हैं, वो उसके यानी कि बेसिकली पॉलिटिकल ब्राइब कर दें। अब ये वो मुल्क है जिसके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट के पैसे नहीं है, और वो नहीं, वहां पे याशियां क्या हो रही हैं। मैक्सिमम रिलीज करने की अथॉरिटी दे दी जो पहले 6 हफ्तों में कि जी मैक्सिमम रिलीज करें। अब यही चीज जो हमारे केयर टेकर्स हैं उन्होंने भी कंटिन्यू किया, और अब हाल ये है कि जॉनसी इस हेड में जो पैसे गए हैं 90 बिलियन, इनकी जो यूटिलाइजेशन है जो इनका इस्तेमाल है वो माशाल्लाह डगा डग हो रहा है, हर कोई अपने हल्कों में कर रहा है। पहले 70% की रिलीज इन्होंने ऑथराइज की जो 61.3 बिलियन 61 अरब रुपए टोटल एलोकेशन का फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ फिस्कल ईयर में ऑथराइज हो गया, उसमें से 27 अरब खर्चे जा चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जुलाई सितंबर में 20% रिलीज किया, नवंबर में उन्होंने रिलीज किया 30%, और बेस्ट चीज ये है कि जो बाकी फंड्स हैं डेवलपमेंट के उसमें तकरीबन 5.8% सिर्फ वो चला है। ये है जो सरकारी खर्चे बाकी हैं सब कुछ हैं, और फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि अभी इन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि जी 35.5 अरब का हम एक प्रोग्राम निकालेंगे हेपेटाइटिस का, हेल्थ के कुछ 6.5, जबकि जो फिगर्स हैं अब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के वो बताते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल हमारी है अगर हम इस वक्त कोई भी नया प्रोजेक्ट ना पब्लिक स्पेंडिंग में चलाएं तो 14 साल चाहिए हमें सिर्फ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए जो पैसे हमारे पास हैं। बात करते हैं डॉक्टर हफीज पाशा साहब से कि हमें बताएं कि क्या हम पैनिक कर रहे हैं, करना चाहिए
क्या है? हमें कोई लोग कहते हैं कि जी फौरी तौर पे आपको गवर्नमेंट की साइज कट करें, ये जो डुप्लीकेशन हो रही है फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के महकमे, ये आप में हार्मोनाइज करें, पब्लिक स्पेंडिंग बंद करें, कहाँ पे खड़े हैं हम? डॉक्टर हफीज पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू पुट टुगेदर अ फ्यू पॉइंट्स, आप बताइए कहाँ से हम शुरू करें, क्योंकि जो अलार्मिंग चीज़ आपके आर्टिकल से मैं देख रहा था, ख़ास तौर पर इनफ्लोज वाला जो मैंने आर्टिकल, लो इनफ्लोज ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जो सबसे अलार्मिंग बात मुझे ये लगी कि ये जो डेवलपमेंट बैंक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने बड़ी स्लो कर दी अपनी फंडिंग, ये बहुत स्लो हो गए, और आपने पॉइंट आउट भी किया इसमें अपने आर्टिकल के अंदर, ये बताएं ये काफी अलार्मिंग डेवलपमेंट है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह आपने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और फैक्चुअल इंट्रोडक्शन दिया है और मैं उसको आगे ले जाने की जरूर कोशिश करूंगा। आज जो खबर आई है वो ये है कि पिछले साल जो शरनमू है हमारा वो मनफी हो चुका है। हम बहुत अरसे से कहते रहे हैं कि ये मनफी है, अब हमारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने खुद इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो यकीनन सैलाब के असरात थे, खास तौर पे हमारा ज़री शोबा जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था और नुकसान का एस्टिमेट यह है कि तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था और हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसलिए भी कमी आई थी 10% से भी ज़्यादा, इसलिए कि हमने दरामदात को कम करने की कोशिश में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन फिजिकल कंट्रोल्स लगा दिए थे और इनपुट्स वगैरह की सख्त कमी पैदा हो गई थी। अब जब ये बात वाज़े हो चुकी है कि शरे नमू मनफी है और पिछले साल आपके पैदावार ख़ास तौर पे सनती पैदावार में 10% की कमी, जो सबसे अहम आदाद शुमार हैं उनको पेश करना चाहता हूँ, फिर उसके आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले बेरोजगारी का पैमाना क्या है? इस वक्त जो हमने रिसर्च किया है और हमने एक बड़ा केयरफुल मॉडल बनाया है पाकिस्तान इकोनॉमी पर, और मैंने तो 40 साल रिसर्च की अपने मुल्क पर, तो अंदाज़ा हमारा ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी कि बेरोजगारी का लेवल जो है वो 6.5% जो था कोविड से पहले, बढ़कर खास तौर पर सैलाब के बाद पिछले साल मनफी शरे नमू के बाद 10.5% तक पहुंच चुका है, तारीख का सबसे बुलंद लेवल। और तकरीबन आप ये देखिए कि 75 लाख हमारे वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि लोगों के जो आमदनी है, वेजेस हैं, रियल वेजेस जिसे हम कहते हैं कि जब आप जो इजाफा हुआ उसमें से अफरात जर निकालें तो आपको हैरत होगी कि पिछले 3 साल रियल वेजेस में 35-40% कमी आई। अब मैं आ जाता हूं सबसे अहम आदाद शुमार और वो है आपके गुर्बत का क्या लेवल है पाकिस्तान में। वर्ल्ड बैंक ने, और आपने भी इसका जिक्र किया है, 40%, हमारा एस्टिमेट जो है इससे कुछ ज्यादा है। हमारा एस्टिमेट जो है वो ये कि ये तकरीबन 44 यानी कि 44% तक पहुंच चुका है, जिसके माने ये हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त आप अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 11 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह अफरात ज़र और आपका पैमाना जो है बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड लेवल्स पे दोनों पहुंच चुके हैं, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब आप ये देखिए कि जो गरीब तबका है इस मुल्क का, जो बेहद तेजी से इजाफा हुआ है आपके कोविड से पहले, आपके जो गुर्बत का पैमाना था वो तकरीबन अंदाजन यह कि 36% था, वो अब 44% तक पहुंच चुका है। और जो पॉवर्टी गैप है यानी कि जो आमदनी में कमी है हमारे जो गरीब घराने हैं,
आपको हैरत होगी, हमारा एस्टिमेट ये है कि ये 2460 अरब रुपए हैं, और हम अपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरे जो हम कर रहे हैं सोशल प्रोटेक्शन, उससे कुल इस साल बड़े मुश्किल से हम 500 अरब तक पहुंच पाएंगे, यानी कि हम एक पांचवा हिस्सा हम गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ठीक फरमाया, अमीर तबका, एलीट कैप्चर, इस पर मैंने किताब भी लिखी है, और यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें वाजे तौर पर क्वांटिफिकेशन की गई थी 2020 में कि किस हद तक बरात दिए गए हैं हमारे शरफा को, और वो अंदाजा उस वक्त 16 अरब डॉलर था, आज वो 25 अरब डॉलर की बेनिफिट्स ले रहे हैं निजाम से, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। और एक तरफ आपका गुरबत, डॉक्टर साहब, इफ आई मे आस्क, ये जब 25 बिलियन डॉलर्स का फिगर दे रहे हैं, ये एक्यूमुलेटेड फिगर है कि आप 25 बिलियन डॉलर्स एनुअल सालाना का ये बेनिफिट्स उठा रहे हैं? सालाना बेनिफिट्स जी। और बात दरअसल ये है कि ये हमने बड़े कंजर्वेटिवली और बड़े केयरफुली एस्टिमेट किया है, और बात ये है कि आपको हैरत होगी कि कुछ हमारे शोबे ऐसे हैं जहां टैक्स ना होने के बराबर है। अब हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का निज़ाम ज़रूर मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है कि 2000 के अब बाद से ये टैक्स का निज़ाम चलता रहा है, मगर आपको हैरत होगी कि पूरे पाकिस्तान भर से जब हमारा जो अमीर तबका है, यानी कि जो ज़मींदार हैं, 1% हमारे मुल्क के फार्मर्स के पास 22% ज़मीन है, वो कितना टैक्स दे रहे हैं? पूरा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स चारों शूबों से मिला लें तो मिला के कुल सिर्फ 3 अरब, जबकि उनकी आमदनी 1570 अरब है। यह है आपका निजाम। मैं किस हद तक आपसे ये बातें बताता रहूंगा, हमें इस बात का दुख है, हमारा प्यारा मुल्क जो है उसमें ये जो अदम मुसावात का सिलसिला है इस वक्त, इस पर हमें बेपनाह अफसोस। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, ये जब बिजनेसमैन की बात करें वो कहते हैं जी बिजली इतनी महंगी है, गैस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फिर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, फिर हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं और वो अनप्रेसिडेंटेड चली गई है, 60,000 इंडेक्स उसका क्रॉस हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि एक फैक्टर तो ये भी है कि जो बहुत से इदारे थे, इंटरनेशनल बायर्स भी थे, वो मार्केट में दोबारा एक्टिव हुए हैं, फिर बहुत से फिक्स इंस्ट्रूमेंट से निकल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं। ये एक तरफ इतनी डिसिमल पिक्चर और दूसरी तरफ अनप्रेसिडेंटेड 60,000 की इंडेक्स पॉइंट, ये कैसे इसको टैली करते हैं? ये फिर कैसे जस्टिफाई होता है स्टॉक मार्केट में जो इस वक्त एक्सप्लोजन हुआ है? देखिए, मैं आपको एक अंदाजा इस तरह से दे दूं कि अल्लाह के फजल से पिछले साल हमारे इनकम टैक्स में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ था, तकरीबन 40% से ज्यादा। हुआ यह है कि अफरात जर की वजह से, खास तौर पे जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, और सबसे क्लासिक एग्जांपल जो है वो है आपके बैंकों का सिस्टम, कमर्शियल बैंकों ने बेपनाह प्रॉफिट्स बनाए हैं हाई इंटरेस्ट रेट्स के निजाम में, एंड दे आर ए बिग पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनकी जो कीमतों में इजाफा हुआ है चूंकि प्रोटेक्शन बढ़ाया हमने, और दूसरी तरफ पिछले साल इम्पोर्ट्स बंद कर दिए, तो नतीजा ये कि कीमतों में आसमान तक इजाफा हुआ, उन्होंने प्रॉफिट्स बनाया। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि बिजली और गैस के नर्खों में इजाफा हुआ, बट कंबाइंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30-40%। सर ये बताएं, अब काफ़ी ये अभी जो हम वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट फॉर साउथ एशिया की बात कर रहे थे, उन्होंने एक वॉर्न भी किया कि जो बातचीत चल रही है कि जी आप डेट रीप्रोफाइलिंग कर लें, रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह की, उनका बड़ी सोच समझ के बात कीजिएगा क्योंकि उसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व होंगे, बैंक्स का भी बस्ट हो सकता है, निज़ाम पूरा हिल सकता है, और जब तक दूसरी रिफॉर्म्स नहीं होंगी
ये सोल्यूशन बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। इस पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आई टेक यू बैक टू योर आर्टिकल। आप उसमें लिखते हैं कि हमें 15.3 बिलियन के एक्सटर्नल इन्फ्लोज चाहिए हैं जुलाई से, फिर आप बताते हैं उसमें कि डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ आ जाए, ADB, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, IDB। आपने बताया कि तकरीबन इन्होंने 597 मिलियन डॉलर्स डिस्पर्स किए, पूरे साल का उनका बजट था 5.3 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि सिर्फ 11%। ये इतना स्लो क्यों पैसे डिस्पर्स कर रहे हैं? क्या वो रिफॉर्म्स का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वो नई गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या उनको शको शुभात हैं वायबिलिटी ऑफ चीज़ों पे? बिकॉज ये तो बड़ी क्रिटिकल इनकी जो इंजेक्शन है जो होनी चाहिए। पिछले साल इसी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में 40% ज़्यादा उन्होंने फंड्स रिलीज कर दिए थे। बात दरअसल ये है कि इसके मैं समझता हूँ 2-3 वजह हैं। एक तो वजह यह है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स की, जो इसकी फाइनेंसिंग डेवलपमेंट बैंक्स कर रहे हैं, उसकी रफ्तारी में कमी आई है। जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ क्या हशर हो रहा है, तो एक तो, और दूसरा काउंटर पार्ट फाइनेंसिंग जो होती है रुपी की, उसमें दिक्कत है। दूसरी बड़ी वजह जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो हमारे डेवलपमेंट बैंक्स, चूंकि उनके जो खर्चे हैं वो कंसेशनल होते हैं, उनमें कोई रीप्रोफाइलिंग की गुंजाइश नहीं होती और रीस्ट्रक्चरिंग की। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन 36 अरब डॉलर से भी ज़्यादा दिए हैं बिगिनिंग से, अगर वो ये देखते हैं कि एक मुल्क के हालात फाइनेंशियली कमज़ोर होते जा रहे हैं और दिक्कत हो रही है उन्हें रीपेमेंट्स वगैरह में, तो वो फिर सोचने की कोशिश करते हैं यकीनन कि फ्लो कुछ कम करें ताकि आगे चलकर उनके अपने कॉस्ट फाइनेंसिंग में इजाफा ना हो जाए बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर। तो इसलिए आप देखिए कि इतनी कमी आई है हैरत अंगेज, जिस तरह आपने बिल्कुल मुनासिब कहा कि तकरीबन 5.3 अरब डॉलर की कमिटमेंट, ये कमिटमेंट्स हैं, एक्सप्लिसिट कमिटमेंट्स मेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिविजन्स, और उसके बावजूद आपने साल के एक तिहाई हिस्सा यानी कि 4 महीने में सिर्फ तकरीबन 600 मिलियन डॉलर डिसबर्स किए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम के इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग IMF प्रोग्राम होने के बावजूद बेहतर नहीं हुई है, और उसके नतीजे में हुआ यह है कि पाकिस्तान अगर बॉन्ड्स फ्लोट करना चाहता है सुकूक या यूरो तो हैवी डिस्काउंट पे होंगे वो। दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कुछ उन्होंने रोल ओवर भी कर दिया है, मगर उन्हें यकीनन इस बात का एहसास है प्राइवेट क्रेडिटर्स को इफ न्यू लेंडिंग टू पाकिस्तान इज वेरी रिस्की, और हमने बजट किया हुआ है साल में तकरीबन 6 अरब डॉलर इन दो सोर्सेस से आने की उम्मीद है हमें, एक पैसा नहीं आया है पहले 4 महीने। तो ये सब चीजें आप देखें तो IMF ने खुद मजबूरन अपने प्रेस नोट में, जबकि उन्होंने इशू किया सक्सेसफुल बातचीत के बाद प्रोग्राम के बारे में स्टैंड बाय फैसिलिटी के, उन्होंने खुद लिखा है कि हमें लग रहा है कि पाकिस्तान को बाहर से पैसे कम आ रहे हैं और इसके नतीजे में हालात खराब हो सकते हैं और रिफॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ये खुद IMF ने कहा है। तो लिहाजा जो मैंने लिखा है, बड़े केयरफुली लिखते हैं हम, प्रोफेसर लोग हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि मुनासिब इंफॉर्मेशन दी जाए। सर मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे एक चीज़ बताएं कि मैं ये पिछले 5-6 बड़े इम्पोर्टेंट सेमिनार्स हुए, फिर ये वर्ल्ड IMF की रिपोर्ट्स आई, फिर वर्ल्ड बैंक की, अब लेटेस्ट हमने वो भी डिस्कस कर लिया, और भी रिपोर्ट्स आ रही, उसमें मैं देख रहा था कॉमनैलिटी किन चीज़ों पर है, जो जिन चीज़ों पर तमाम लोग एग्री करते नज़र आ रहे थे वो आ रहा था कि जी एक तो आपको बड़ी क्विक रिफॉर्म्स चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीसाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट, कि ये जो बहुत डुप्लीकेशन हो रही है 18वीं तरमीम के बाद भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे ओवरलैप कर रहे हैं, चलें ये है।
फिर उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करें पब्लिक स्पेंडिंग को, रिवैम्प करें टैक्सेशन सिस्टम को, और नंबर रिड्यूसिंग नंबर एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस, और टैक्स लो टैक्स रेट लाएं, बेस ऑन सी ब्रॉडन करें। 5 मिलियन आपके रजिस्टर्ड हैं टैक्स पेयर्स, और उसमें से फाइलर्स, उसमें से 3 मिलियन जो से हैं वो टैक्स देते हैं। अच्छा, ये सारी मिड टू लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, होने तो फौरन चाहिए। चलें आप एक दो चीज़ें प्राइवेटाइज भी कर देंगे, कोशिश कर रहे हैं, वो भी पता नहीं होती हैं कि नहीं होती। ये तो मिड टू शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। शॉर्ट टर्म में क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त, चाहे वो केयरटेकर गवर्नमेंट है या जो नई गवर्नमेंट आएगी, शॉर्ट टर्म में सर क्या सॉल्यूशंस हैं टू डील विद द फाइनेंशियल मेस जिसमें हम हैं? दो चीजें करना चाहिए था हमारी केयरटेकर हुकूमत को। अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी केयरटेकर हुकूमत ने काफी, मैं समझता हूँ, मुनासिब स्टेप्स लिए हैं, और बहुत अच्छे के बाद हमारा IMF प्रोग्राम जो है वो रुका नहीं है और आगे बढ़ा है। मगर इस वक्त जो प्रायोरिटी के तौर पर चीजें करनी है, उसमें सबसे पहले जो खर्चे हैं, जो आपके ओवरलैप है, जो आपके डुप्लीकेशन है डिविजन्स और मिनिस्ट्रीज, आपको हैरत होंगी 250 इदारे ऐसे हैं जो अटैच्ड हैं या ऑटोनमस हैं हुकूमत में, इन सब को जीरो बेस बजटिंग करें। जीरो बेस बजटिंग करके जिनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है उन्हें बंद करें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये काम हमारे केयरटेकर गवर्नमेंट को पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, ताकि वो तैयार हो जाए प्रोग्राम ऑफ, जिसे हम कहते हैं डाउन साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और उसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन आधी कुछ कर लें आधा नई हुकूमत करें। दूसरी तरफ टैक्स पॉलिसी की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि ये एक इंटरिम नॉन इलेक्टेड केयरटेकर गवर्नमेंट है और फाइनेंस बिल वगैरह वो नहीं ला सकते, इसलिए कि असेंबली तो नहीं है। अलबत्ता वो ये कर सकते हैं कि टैक्स कंप्लायंस जिसे कहें, निजाम को बेहतर करें। अब आपको सुन के हैरत होगी कि आपने खुद जिक्र किया कि पाकिस्तान में 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स देते हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान में कितने टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स देते हैं? 75 मिलियन, यानी कि 7.5 करोड़, हमसे कोई 25 गुना ज्यादा। ये है हाल सर, यहाँ पे तो बुरा हाल है। यहाँ पे तो मैं फिगर्स देख रहा था कि जो सेल्स टैक्स है तकरीबन जो बहुत बड़ा हिस्सा उसका सिर्फ 400 एंटिटीज से आता है, बाकी तो ना रिटेल मार्केट भी बरी है, बरी जुम्मा है वही जो कॉरपोरेशन है ना सर। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, मैं अभी खाली इंटरिम की बात नहीं कर रहा, मैं नई गवर्नमेंट की बात भी कर रहा हूँ, उन्होंने भी आगे पहले 2-4 महीनों में इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे। एक प्रपोजल ये भी हम सुन रहे थे कि जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त अप्रूव हुए हैं डिफरेंट स्टेजेस में हैं, उनमें भी जो जिनमें 25% से ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ उनको तो सीधा सीधा अबैंडन करें, जो बैडली डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करें। बिकॉज जो मैंने आपसे शुरू में नाज़रीन से शेयर की थी कि 14 साल चाहिए सिर्फ हमें ऑलरेडी अप्रूव्ड स्कीम्स के लिए, अगर हम कुछ भी ना करें। और उसमें जो एक चीज़ मेंशन करनी मैं भूल गया कि इसमें अभी वो स्कीम्स इंक्लूडेड नहीं हैं जो अनफंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्लड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, या जिनकी डिलेज हुई हैं और कॉस्ट ओवररन्स हैं, वो तो शायद फिर 20 साल चाहिए हमें। क्या जो इस वक्त अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं सर डेवलपमेंट के और दूसरे, उसको भी एक क्विक रिव्यू चाहिए, और उनमें से जो ये 2 नंबर हैं या स्कीम्स या अननेसेसरी या प्रायोरिटी वाइज, खत्म करें उनको? जी बिल्कुल, देखिए बात ये है कि आपने तो जिक्र किया 14-15 साल लगेंगे, मगर आपने इस बात का अंदाजा शायद नहीं इनकॉर्पोरेट किया कि कॉस्ट बढ़ते जाते हैं सालाना। ये एस्टिमेट उस बेसिस पे है कि थ्रो फॉरवर्ड तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान का 9 खरब के लगभग है, और हम सालाना मुश्किल से 500 अरब लगाते हैं। सर एक चीज बताएं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक बॉडी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, आर्मी चीफ इसके हिस्सा है, इसका CGS जो होते हैं फौज के 3-स्टार जनरल हैं, वो इसके अंदर ओवरसी कर रहे हैं चीज़ों को। अगर SAFC के चाहे प्लेटफॉर्म पे या कोई और हो, क्या ये एक चीज़ हो सकती है, वायबल है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है
ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाए जो कम से कम यही चीजें तय कर दे कि कौन से प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं हाई प्रायोरिटी, कौन से लो प्रायोरिटी हैं, एक सॉर्ट ऑफ एक रोड मैप बन जाए और नई गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजरी बन जाए कि इसको मर्जी अप्रूव करें ना करें, लेकिन लेआउट कर दें कि कौन से प्रोजेक्ट्स बंद होने चाहिए, कौन से चलने चाहिए। जैसे आपने कहा डाउन साइजिंग है, राइट साइजिंग है, या आखिर तमाम चीजें किसी ने तो करनी है। ये एक टास्क फोर्स ऑन अ वॉर फुटिंग 8-10-12 हफ्तों में क्या पॉसिबल है ऐसी चीज होना? मैं देखिए इस वक्त हमारे जो पोर्टफोलियो है पीएसडीपी का फेडरल, उसमें 1100 प्रोजेक्ट तकरीबन, इसको इतने कम अरसे में इवेल्युएट करना नामुनासिब होगा। आप ये करवा लें कि क्लियर कट डिलिनेशन हो जाए प्रायोरिटीज का डाउन टू द सब सेक्टर लेवल, कि किसको रखना है प्रायोरिटीज और नॉट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बट सब सेक्टर, और किसको ड्रॉप करना। कम से कम ये प्रायोरिटी का जो पैमाना है वो कोशिश करके वो मुकम्मल करें। और हमें एक प्रोसेस होता है पूरा CDWP, PDWP वगैरह, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वगैरह का फॉर्मेट है, इसको हमें फॉलो करना पड़ता है आईन के तहत। तो हम देखना चाहेंगे कि कम से कम हमारी जो केयरटेकर हुकूमत है वो वाज़े तौर पर क्लियर कर दे कि ग्रोथ के लिहाज से और इक्विटी के लिहाज से, पॉवर्टी रिडक्शन के लिहाज से कौन से सब सेक्टर्स आर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस एंड दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। डॉक्टर साहब वो तो इन अ वे अनाउंस होनी की जब ये काउंसिल भी बनी, उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT, इसी तरह 4-5 सेक्टर्स उन्होंने अनाउंस कर दिए थे। क्या उन्हीं सेक्टर्स के फिर सब सेक्टर्स को एज अ टॉप रेटिंग लेके बंदा कर सकता है एज अ टॉप प्रायोरिटी? नहीं, देखिए बात यह है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करने के लिए ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, खासतौर पे माइनिंग प्रोजेक्ट्स। मगर आपको तो पता है कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स हमारे इन ऐसे एरियाज में हैं जहां कुछ और कंसिडरेशंस भी होंगे। दूसरी तरफ जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमें जो बेसिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें प्रॉफिट की गुंजाइश है बहुत। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सही और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ, तो इसमें बहुत फर्क है दोनों प्रायोरिटी। अच्छा सर, एक लास्ट एक चीज़ है जो इससे तो अनरिलेटेड है, मैंने पहले पूछना था। एक रिपोर्ट छपी इन्होंने निकाली है आरएफ हबीब लिमिटेड ने, कमर्शियल बैंक्स ओवरकमिंग हेडविंड्स रेजिलियंट नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड। उसमें वो बड़ी एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगले साल द वे थिंग्स आर गोइंग हो सकता है ये इंटरेस्ट रेट 22% से 15% पे ले आए स्टेट बैंक, 7% ड्रॉप करें। लेकिन साथ ही इस रिपोर्ट में है कि इन्फ्लेशन, महंगाई भी 28% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर महंगाई 28% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या फिर आपको इंटरेस्ट रेट नीचे आता नजर आता है, पॉसिबिलिटी है? बात दरअसल ये है कि अगर ये स्टैंड बाय फैसिलिटी जो अप्रैल में खत्म होता है और हमें अपने पोजिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए IMF की छतरी के फिर से जरूरत पड़ती है, जिसके खुद केयरटेकर हुकूमत ने कहा है कि इसके बाद एक 3 साल का प्रोग्राम हमें लाना पड़ेगा और नई हुकूमत जो भी आएगी मुंतखब उनको करना पड़ेगा। अगर आप एक नए IMF प्रोग्राम में चाहते हैं जबकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की वो जिस तरह हमने जिक्र किया है बेशुमार लेवल और हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इन हालात में बहुत ही गैर मुमकिन सी बात है कि इंटरेस्ट रेट्स में वाजे तौर पर इतनी बड़ी कमी आए। सर ये बताएं, आपने खुद भी आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपने सारी जिंदगी देखा है, ये कितना मुश्किल है? सुनने में बड़ा आसान लगता है कि यार आप टैक्स रेट्स लोअर कर दें, बेस को ब्रॉडन कर दें, ये क्यों नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में? बात दरअसल ये है कि आपका जो हैरत अंगेज बात यह है कि हमारा जो सनती शोबा है उस पर जो बोझ है वो पूरी इकोनॉमी से 4 गुना है, और हमारा जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है, हमारा जो जरी शोबा है और हमारा
जो दूसरे सर्विसेज के सेक्टर्स हैं उन पर बोझ एवरेज से बहुत कम है, बहुत ही डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है। यकीनन हमने अपनी इंडस्ट्री को ओवरटैक्स किया हुआ है और वो इसलिए कि लार्ज स्केल है और डॉक्यूमेंटेड है। वक्त अब आ गया है कि आपको तीन और सेक्टर्स की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी सेक्टर, जिसमें बेशुमार कंसेशंस दिए गए हैं। हमारा एस्टिमेट यह है कि अगर आप एक मुनासिब टैक्स का निज़ाम लाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, रियल इस्टेट पर, तो 600 से 700 अरब कम से कम एक्स्ट्रा हासिल कर सकते हैं आप। दूसरी तरफ जो आपका होलसेल एंड रिटेल ट्रेड सेक्टर है वो ना होने के बराबर है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। उसमें भी आपको जाल फैलाना पड़ेगा और सिंपल निज़ाम ले आना पड़ेगा ताकि अपने जो रिटेल सेक्टर है वो टैक्स बेस में आए। और आखिर में सबसे ज्यादा अहम कि हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े जागीरदार जमींदार हैं जो ना देने के बराबर इस वक्त इनकम टैक्स है, उस निज़ाम को कम से कम अपने दूसरे इनकम लेवल के जो लोग हैं इनकम्स नॉन एग्रीकल्चरल लेवल, उसी लेवल पर कम से कम ले आए। ये सब आप करें, ये तीन चीजें करें तो अल्लाह के फजल से IMF और वर्ल्ड बैंक, मैं हमारी अपनी कैलकुलेशन कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को इन तीन एरियाज में डेवलपमेंट ऑफ टैक्सेशन से 2,500 से 3,000 अरब का इजाफा हो सकता है। अब वक्त आ गया है, एक तरफ गुर्बत का पैमाना हद से ज्यादा बढ़ चुका है, दूसरी तरफ आपकी एलीट लगता यह है कि खुशहाल और होती जा रही है, ये निज़ाम सस्टेनेबल नहीं है मलिक साहब। अब वक्त आ गया है कि वी हैव टू मेक मेजर चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मैं एक ऐसे रिटायर्ड एमेरिटस प्रोफेसर गुजारिश करता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमेशा की तरह आपसे बात करना इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत शुक्रिया आपका। राजी आने बातें सुनी, मैं तमाम बातें आपने सुनी, एक ही जुमले में ख़त्म होती है बात। इस मुल्क में जो एलीट कैप्चर है इसको अब ख़त्म होना होगा, बिकॉज ये चल नहीं सकता, टेनेबल नहीं है। जो डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ है वो इतनी बढ़ गई है कि ये अब और इस याशी का मुतमिल नहीं हो सकता। अब आपके जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया है, जिससे अगर वो खाली 11% दे रहे हैं अपने टोटल कमिटेड का तो आपको नज़र आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर उस पर भी कह रहे हैं कि ख़तरे में जा सकती है फंडिंग, आपके इंटरनेशनल इन्फ्लोज उस तरह नहीं है, यहीं से रिसोर्सेज होनी है, यहीं से बल्क यहीं से आना है, बाहर से नहीं आना। ये लीड कैप्चर रोकना होगा, ख़त्म करना होगा, वरना थिंग्स कांट गो ऑन लाइक दिस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।